एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रखे हैं। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी का मामला, छोटे अफसरों पर स्वास्थ्य विभाग में शुरू हुई कार्रवाई। उप अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता सस्पेंड, फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के तबादलों में अनियमितता पर कार्रवाई। तो अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन अशोक कुमार पांडे भी सस्पेंड, प्रयोगशाला सहायक वर्ग के तबादले में गड़बड़ी पर यह सस्पेंशन हो रहा है। वहीं आपको बता दें, संयुक्त निदेशक पैरामेडिकल अरविंद कुमार वर्मा भी सस्पेंड हुए हैं। तो फार्मासिस्ट ईसीजी टेक्नीशियन के तबादलों में गड़बड़ी, ये कार्रवाई हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और आपको इन तबादलों की कॉपी भी दिखा रहे हैं। अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन अशोक कुमार पांडे भी, उनका भी तबादला हुआ है। स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी का ये मामला, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छोटे अफसरों पर स्वास्थ्य विभाग में शुरू हुई कार्रवाई। तो अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता भी सस्पेंड हुए हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के तबादलों में अनियमितता पर यह कार्रवाई की गई है। तो अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन अशोक कुमार पांडे सस्पेंड, तो ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। तो स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई। छोटे अफसरों पर स्वास्थ्य विभाग में ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। नरेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की और जानकारी, लगातार इस तरह के गड़बड़ी के, तबादलों में गड़बड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर तबादलों की शिकायत हुई थी। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लेटर लिखा था और शासन स्तर से इसकी जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है और जिसमें कई अधिकारियों को दोषी बताया है। पैरामेडिकल स्टाफ के मामलों में जो तबादले हुए थे उसमें गड़बड़ी की गई है। इससे अपर निदेशक स्तर के अधिकारियों को निलंबित किया गया है और अभी जो कार्रवाई हुई है, इसे कहा जा सकता है कि छोटे स्तर पर हुई है, डायरेक्टर की हुई है और अपर निदेशक की हुई है। लेकिन इसमें जो रिपोर्टें आई थी सीएमओ स्तर से, सीएमएस स्तर से, डॉक्टरों के बारे में जो गलत जानकारियां दी गई थी सरकार को और इसी के आधार पर तबादले हुए थे, इसमें कार्रवाई होना अभी बाकी है। क्योंकि दो दर्जन से ऐसे जिले थे जहां से सीएमओ ने गलत रिपोर्ट बनाकर भेजी थी, जिसमें डॉक्टरों के तबादले किए गए थे जो कम समय तक अपने जिले में थे या मानक के हिसाब से नहीं थे, वो गलत किया गया था। अभी उसमें कार्रवाई होनी बाकी है। अगर पूरे तबादलों पर कार्रवाई की जाए तो इसमें कई सीएमओ नपेंगे और उच्च अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के नपेंगे, जिन्होंने बड़े पैमाने पर गलतियां की थी और एक तरीके से स्वास्थ्य विभाग में उहापोह की स्थिति बन गई थी। बहुत सारे डॉक्टर रहते थे जो ज्वाइनिंग करने नहीं जा रहे थे, पैरामेडिकल स्टाफ में भी आक्रोश पनपा था। तो कहा जा सकता है ये कार्रवाई जो हुई है छोटे स्तर पर हुई है और अभी बड़े पैमाने पर कार्रवाई का इंतजार है, जिस तरीके से जांच रिपोर्टें आई हैं। जी नरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल किन लोगों का तबादला हुआ है और किन लोगों पर कार्रवाई फिलहाल चल रही है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में कई स्तर पर तबादले हुए थे, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के हों, क्लर्क हों, बाबू हों और डॉक्टर हों। सीपीएससी और जिला अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों की बड़ी संख्या में तबादले हुए थे। उसके बाद इस पर जांच बैठाई गई थी। आरोप ये लगाया गया था कि जो मानक के विपरीत तबादले हुए हैं, साथ ही जो कम समय तक किसी अस्पताल या जिले में है उनको भी हटाया गया है, जबकि ज्यादा समय से टिके हुए डॉक्टरों का नाम सूची में नहीं है। इस पर जांच टीम गठित की गई और जो रिपोर्ट आई वो चौंकाने वाली है। इसमें जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की तरफ से भ्रष्टाचार किया गया है और बड़े पैमाने पर गलत तरीके से तबादले किए गए हैं। अपर निदेशक स्वास्थ्य तक का नाम आया और तमाम डायरेक्टर इसमें आए, अपर निदेशक इसमें आए। तो ये जो कार्रवाई हुई है, कहा जा सकता है कि अभी शुरुआती कार्रवाई है। पीडब्ल्यूडी के बाद इसमें कार्रवाई हुई है स्वास्थ्य विभाग में, जबकि ये महीनों से जांच चल रही है और रिपोर्टें आई हैं। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई होने में देरी हुई है और जो कार्रवाई हुई है वो शुरुआती दौर में छोटे अधिकारियों की पर कार्रवाई की गई गाजगिरी है। जी नरेंद्र, यानी अभी छोटे स्तर पर हुई है, छोटे अधिकारियों पर हुई है, यानी आगे बड़े अधिकारी और बड़े अफसर भी फंसते हुए नजर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर वो सारे सीएमओ अभी इस कार्रवाई की जद से बाहर हैं, जिन्होंने गलत रिपोर्ट शासन को भेजी थी और उच्च स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं जिन्होंने जांच नहीं किया था और कहीं ना कहीं उनके जो आंकड़े होते हैं उनकी ज्वाइनिंग के पूरा लेखा जोखा विभाग के पास होता है, आखिर उसको इग्नोर क्यों किया गया। जो
हर स्तर पर जांच की प्रक्रिया होती है, उसका पालन क्यों नहीं किया? यानी लगातार अब इस पर कार्रवाई हो रही है और अब छोटे स्तर पर, इसके बाद बड़े स्तर पर भी इस पर कार्रवाई होगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको खबर बता रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों में गड़बड़ी का मामला ये सामने आया, जिसके बाद छोटे अफसरों पर स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई शुरू हुई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता भी सस्पेंड हुए हैं। वहीं आपको बता दें, फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के तबादलों में अनियमितताओं पर भी कार्रवाई हो रही है। तो साथ ही आपको ये भी बता दें कि फिलहाल ये निचले स्तर पर, छोटे स्तर पर कार्रवाई हुई है, लेकिन सूत्रों की माने तो आगे बड़े अफसर भी इसमें फंसे हुए नजर आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, छोटे अफसरों पर स्वास्थ्य विभाग में कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें, तबादलों में अनियमितताओं को लेकर ये कार्रवाई चल रही है। अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता सस्पेंड हुए हैं, वहीं फार्मासिस्ट टेक्नीशियन के तबादलों में भी। निकिता सरीन हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रही है। निकिता, आपसे जानना चाहूंगी कि ये तबादले लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं और ये फिलहाल छोटे स्तर पर है, तो आगे किस तरह की और तस्वीरें नजर आ सकती हैं और किन लोगों के नाम और इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से लगातार स्थानांतरण नीति में, अगर मैं मेडिकल विभाग की बात करूं, उसमें गड़बड़ियां पाई गई थी और इंडिया न्यूज ने भी बहुत प्राथमिकता से ये खबर चलाई थी। इसी के चलते स्थानांतरण नीति में लेवल वन और लेवल टू के डॉक्टर्स भी गलत तरीके से पोस्ट हुए थे। पीडब्ल्यूडी विभाग के बाद यही स्वास्थ्य विभाग का ही नंबर था, जिसके चलते अगर मैं अब लेटेस्ट खबर आपको अपडेट करूं तो यही है कि कुछ निचले स्तर के अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के, उनका सस्पेंशन हो गया है, में अपर निदेशक पैरामेडिकल राकेश कुमार गुप्ता का सस्पेंशन हुआ है। तो वहीं अपर निदेशक स्वास्थ्य प्रशासन एके पांडे को भी सस्पेंड कर दिया है और संयुक्त निदेशक की अगर मैं बात करूं अरविंद वर्मा, उनको भी सस्पेंड कर दिया है। लेकिन यहां पे सस्पेंशन नहीं रुकते हैं। आपको बता दूं, जिस तरीके से लेवल 5 और लेवल 6 के अधिकारियों ने ये तबादले गलत तरीके से किए हैं, क्योंकि उनके साइन के बिना कोई भी तबादला नीति नहीं होती है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं, जिस तरीके से मैं अगर एसी की बात करूं और डीजी हेल्थ की प्रेजेंट में अगर बात करूं, क्योंकि लास्ट जो डीजी हेल्थ थे, उन्होंने भी ये पूरे फाइल साइन के बाद वो रिटायर हो गए थे। तो अब देखने वाली यही होगी कि किस, अब इन जो बड़े स्तर पे जितने भी अधिकारी बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उन पर सस्पेंशन या जो सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश थे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा, वो कब होंगे? क्योंकि अभी जितने भी तबादले हो रहे हैं, जितने भी सस्पेंशन हो रहे हैं, वो निचले स्तर के डॉक्टर्स के ही हो रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों में कब इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं स्वास्थ्य विभाग, तो ये देखने वाली बात होगी कि कब ये कार्रवाई होगी। और हम इंडिया न्यूज के माध्यम से भी लगातार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जानकारी के लिए निकिता, आपका बहुत शुक्रिया।